पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की, और डॉक्टर जगजीत जो प्रमुख नेत्र चिकित्सक हैं, जिनको नोडल अफसर भी बनाया गया, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इन पर दी गई हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। डीजी ऑफिस में विशेष रूप से इनको कई चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है, बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू चंद्रशेखर जी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से ब्लैक फंगस की बात आ रही है, ब्लैक फंगस बेसिकली है क्या, सरल भाषा में आम लोगों को समझाना हो तो? ब्लैक फंगस एक तरह की उल्ली है जिसको हम कहते हैं। ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, पहले भी होती थी, अब भी है। खासकर जो ह्यूमिडिटी का जो माहौल है, जहाँ नमी है, वहाँ इसके पनपने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये जो आजकल हमें काफ़ी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा या मीडिया में आ रहा है कि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ गए हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि कोविड के केसेस में इम्यूनिटी लो होती है, और ख़ासकर जो मरीज शुगर के मरीज़ हैं और उनको स्टीरॉयड भी दिया जा रहा है, तो उससे इम्यूनिटी और लो हो जाती है। तो ये देखा जा रहा है कि जो शुगर के मरीज़ हैं और जिनको कोविड है या वो ठीक हो चुके हैं, उनमें इस तरह के ब्लैक फंगस के केस, जिसको हम मेडिकल टर्म में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। ये क्या हवा में भी होती है, जैसा आप बता रहे हैं? हाँ जी, ये हवा में, खासकर जहाँ नमी है या गंदा एनवायरनमेंट है, वहाँ रूटीन में भी होती है, पहले भी होती थी, अब भी होती है। नेचुरल फिनोमेना है, जैसे और जीव जंतु घास फूस होता है, वैसे ही ये होती है। ब्लैक फंगस क्या पहले, इससे पहले भी होती रही है, मतलब कोई इतिहास है इसका? हाँ जी, इसका इतिहास बहुत पुराना है, पर पहले इतने नंबर में नहीं होती थी, क्योंकि आजकल कोविड का नंबर बहुत बढ़ गया है, और खासकर कोविड के साथ साथ डायबिटीज़ भी बढ़ रही है, और डायबिटीज़ के मरीज़ों में ये ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या ब्लैक फंगस को जो है विशेष रूप से आपदा अधिनियम के तहत महामारी में शामिल किया गया, या प्रशासन को जानकारी देने के लिए कहा गया, इसमें क्या वो स्पेसिफाई कर दीजिए? हाँ जी, इसको एपिडेमिक एक्ट के अंदर नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर किया गया है। हरियाणा ने सबसे पहले इसको नोटिफाई किया था, तो इसके अंदर जो भी हरियाणा के जितने भी हॉस्पिटल हैं या डॉक्टर्स हैं, जो भी मरीज़ इसको देखता है, जिनको शक होता है या जो दाखिल करते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको लोकल अथॉरिटीज़ को, सिविल सर्जन को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है, अंडर लॉ ये ज़रूरी है। इसमें बचाव के लिए क्या रास्ते हैं? हाँ जी, इसमें बचाव के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि जो मरीज़ कोविड के हैं या जो ठीक हो चुके हैं, वो इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि स्टीरॉयड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लोगों ने अपने आप भी लेने शुरू कर दिए, या गांव में कई बार डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने सोचा कि स्टीरॉयड ही एकमात्र ट्रीटमेंट है कोविड का, तो वो ज़्यादा मात्रा में दिए गए। जो मरीज डिस्चार्ज हो जाते हैं, कई बार उनको बताया जाता है काफ़ी लंबा टाइम स्टीरॉयड लेना पड़ता है, वो भी डॉक्टर की सुपरविजन पे मात्रा धीरे धीरे कम करके उसको बंद करना होता है, पर लोग उसको खाते रहते हैं। और दूसरा, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको अपना शुगर कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा मैं इसके बचाव के तरीके, जो जनरल पेशेंट पब्लिक है, जिसको अभी ये बीमारी नहीं हुई है, कोविड भी नहीं है और म्यूकोरमाइकोसिस का भी कोई शक नहीं है, उन लोगों को मेरी सलाह है कि वो जब भी डस्टी एनवायरनमेंट में, खासकर जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई फैक्ट्री है जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ मास्क का इस्तेमाल करें, कपड़े फुल स्लीव्स शर्ट पहने, नीचे पैंट पूरी पहने, हो सके तो ग्लव्स पहने और जूते पहने, तो इससे जो मोल्ड है, जो उल्ली है या जिसको फंगस कहते हैं, वो शरीर में घुसने के चांस कम हो जाते हैं। अक्सर ब्लैक फंगस का आंखों पर सीधा प्रभाव क्या है? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि आंखों पे जो प्रभाव है, थोड़ी लेट स्टेज में आता है। ये सबसे पहले आपको नाक के द्वारा, सांस के द्वारा, जो हमारे नाक के अंदर या उसके आसपास साइनसिस हैं, जो उसमें इसकी अटैक होता है, तो धीरे धीरे ये हम अब इग्नोर करते हैं, तो ये आँखों की तरफ भी चला जाता है। तो आँखों में पहले ये आँखों के आसपास सोजिश मिलेगी आपको, आँख लाल हो सकती है, फिर धीरे धीरे नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और आँख बाहर को भी आने लगती है, और अल्टीमेटली जब ये आँखों की नसों में चला जाता है, तो आँख जाने का भी खतरा रहता है। ब्लैक फंगस घातक किस प्रकार से है, कितनी घातक है? इसको हम घातक ही मानते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सरल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट है। इसमें जो मुंह के सर्जन है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन जिनको बोलते हैं, न्यूरो सर्जन इन्वॉल्व हैं, मेडिसिन के डॉक्टर, लंग के डॉक्टर, ईएनटी के डॉक्टर, आई के डॉक्टर हैं, और जो इसकी दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, वो उसका देना भी अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन हो जाता है, क्योंकि वो लंबा भी चलती है और वो गुर्दों पे इफ़ेक्ट भी करती है। तो इस करके एक तो टाइम पे, जब भी मरीज़ को ना, जो खासकर कोविड के मरीज़ हैं, ठीक हो चुके हैं और जिनको शुगर भी है और स्टीरॉयड भी चला हुआ है और ऑक्सीजन भी दी गई थी, वो अगर उनके नाक में जुकाम होता है, नाक बंद होता है या नाक से खून आता है, या उनको आँख में कोई ऐसा लगता है कि आँख में सोजिश आ रही है या आँख से दिखना कम हो गया, तो इसको डिले ना करें या लोकल दवाई ना लें, जल्द से जल्द स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं।
हरियाणा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको इसके लिए स्पेसिफाई किया गया? हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं सब में 20-20 डेडिकेटेड बेड रखने का सरकार के द्वारा हुक्म हुआ है और डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है और वो अच्छी तरह न्यूज़पेपर में और मीडिया में पब्लिसाइज भी किया गया है। ब्लैक फंगस का इलाज क्या संभव है? बिल्कुल जी, ब्लैक फंगस का इलाज संभव है अगर टाइम पर शुरू हो जाए, और इसका सर्जरी भी करनी पड़ती है, ऑपरेशन टाइम पर होता है और इसमें इन्वेस्टिगेशंस भी कई तरह की हैं, और सीटी एमआरआई वगैरह अगर टाइम पे हो और टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो 100% क्योरेबल डिजीज़ है। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस इसमें क्या अंतर है, क्योंकि वाइट फंगस के भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये ब्लैक फंगस की तरह ही वाइट फंगस भी उन्हीं मरीजों में ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी लो हो, बट वाइट फंगस जिसको हम कैंडिडाइसिस बोलते हैं वो कॉमन बीमारी है, वो इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, उसका इलाज थोड़ा ईजी है। धन्यवाद। तो ये हैं डॉक्टर जगदीप जो कि विस्तार से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ब्लैक फंगस को लेकर किस प्रकार की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं जहां पर काम चलता है वहां पर फुल बाजू की शर्ट डाली जाए, उसके अलावा ग्लव्स डाले जाएं, मास्क डाला जाए और आंखों पर पानी के छींटों का भी इस्तेमाल किया जाए। कई चीज़ें इन्होंने विस्तार से इस मामले में बताई हैं। असंभव नहीं है इसका इलाज, लेकिन सावधानी और इलाज प्रॉपर टाइम पर होना ज़रूरी है। हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजेस में इनके लिए बेड भी स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।